नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। भारत की इससे सुंदर तस्वीर और क्या होगी जब भारत के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। इस बार 15 अगस्त कुछ खास होने वाला है हर भारतीय नागरिक के लिए। ये एक मुबारक मौका होगा। जिन्हें लगता था कि भारत लोकतंत्र के लायक नहीं है, उन्हें इस बार ये बताया जाएगा कि इतने सालों में भारत ना सिर्फ लड़ा है बल्कि बढ़ा भी है। भारत ने अब तक जो कुछ हासिल किया उस पर गर्व करने का मौका। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा है। इस पहल के जरिए पूरे भारत में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने को प्रोत्साहित किया गया है। इस अभियान को 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। मोदी जी ने देश की जनता से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने को कहा था और लोगों से ये भी अपील किया था कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सोशल नेटवर्किंग साइट पर वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदल दे। अगर आप भी अपने घर में तिरंगा फहरा रहे हैं तो इन बातों को जरूर जान ले। ये जान लीजिए कि अब झंडा आप खुले में प्रदर्शित कर सकते हैं। दिन हो या रात आप झंडा फहरा सकते हैं। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति दी गई थी। झंडा संहिता में कुछ प्रावधान किए गए हैं और उसमें कुछ बदलाव भी किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटा या हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना हुआ होगा। ये कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी खादी से बना होगा। इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को उपयोग करने की अनुमति नहीं मिली थी। मालूम हो कि 2002 से पहले आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही झंडा फहरा सकते थे। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं। झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जा सकता है। किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं पहुँचाना है। झंडे को किसी भी भाग को जलाना नहीं है, ना ही उसे नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा मौखिक और शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों सजा ही मिल सकती है। कोई भी झंडे का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है या उसका वस्त्र बना देता है, मूर्ति पर लपेट देता है या फिर मृत व्यक्ति के शव पर डालता हो तो इस तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तो आज से इस झंडे अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिहारी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।